Hello, future scientist. Welcome to my YouTube channel, MSc Physics Prep. In this video, I am going to discuss about application of gradient. Applications of gradient like directional derivative, how to find angle between two surfaces. Before starting this video, I want to share some important information for you. In CPET 2021 and CUCET 2021, many students of our institute qualified the prestigious exams like CPET 2021 and CUCET 2021, and 4 and 5 students got admission in Ravensa University, and 2 and 3 students are qualified in Rajasthan Central University and got admission in Rajasthan Central University and Central University of Punjab. So don't wasting much time. I want to say start this topic gradient. पिछले वीडियो में हम ग्रेडियंट के बारे में डिस्कस किए थे. अभी ये वीडियो में हम उसका एप्लीकेशन एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स के बारे में, एंगल बिटवीन टू सरफेसेस के बारे में डिस्कस करेंगे. एंगल बिटवीन टू सरफेसेस. ठीक है, हाउ टू फाइंड एंगल बिटवीन टू सर्फेसेस. आप लोगों को पता है कि हाउ टू फाइंड एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स. तो क्या है, सपोज ए इज योर वेक्टर एंड बी इज योर वेक्टर. ए डॉट बी इक्वल टू ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड, सॉरी बी मैग्नीट्यूड कॉस थीटा. तो एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स कैसे निकालेंगे, कॉस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बाय ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड. ठीक है, तो ये हो गया सपोज ए इज योर वेक्टर एंड बी इज योर वेक्टर. तो एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स मीन्स ये वाला थीटा आप लोग निकाल रहे हैं. ठीक है, तो ऐसे ही एंगल बिटवीन टू सरफेसेस कैसे निकालेंगे. देखो ये सपोज एक सरफेस है एंड ये एक सरफेस है. ठीक है, तो ये सरफेस का फंक्शन दे दिया गया आपको फाई वन ऑफ एक्स वाई जेड, और ये सरफेस का फंक्शन है फाई टू एक्स वाई जेड. ठीक है, तो ये सरफेस का हम यदि इसमें नॉर्मल ड्रॉ करेंगे सपोज एन वन, तो एन वन इक्वल टू क्या हो जाएगा, नॉर्मल ग्रैड ऑफ फाई वन. एंड ये सेकंड सरफेस है इसका अपन, सॉरी गलत हो गया, वन मिनट वेट. एक सरफेस है और ये एक सपोज सरफेस है, तो इसके ऊपर ये नॉर्मल इस तरफ हो जाएगा एन टू. तो इसके बीच में एंगल निकालेंगे तो एन टू इक्वल टू क्या हो जाएगा, ग्रैड ऑफ फाई टू डेल फाई टू. तो इसके ऊपर नॉर्मल ड्रा करेंगे तो एन टू मिल गया एंड एन वन मिल गया, इसके बीच का एंगल पूछा होगा. ठीक है, एक्चुअली क्या है, एंगल बिटवीन टू सरफेसेस इज इक्वल टू एंगल बिटवीन टू नॉर्मल्स. ठीक है, तो अभी कॉस थीटा आपका क्या हो जाएगा, कॉस थीटा इक्वल टू एन वन ये वेक्टर है, एन टू वेक्टर है, क्योंकि फाई एक स्कालर फंक्शन है, उसका ग्रेडियंट निकालेंगे तो आपको वेक्टर मिलेगा. ठीक है, तो एन वन डॉट एन वन, एन वन डॉट एन टू, मॉड ऑफ एन वन एन टू मैग्नीट्यूड
इक्वल टू आप क्या लिख सकते हैं, एन वन कैप एन टू कैप भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो अभी एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, उसको कैसे सॉल्व करते हैं देखते हैं। ठीक है, तो अभी नेक्स्ट में क्या करेंगे वो क्वेश्चन करते हैं, देखते हैं। और क्वेश्चन क्या दिया है, फाइंड द एंगल बिटवीन सरफेसेस एंगल बिटवीन सरफेस एक दिया है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस नाइन, एंड और एक सरफेस दिया है जेड इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड माइनस सॉरी माइनस टू आठ टू वन माइनस टू। आपको इसका एंगल फाइंड करना है एक सरफेस, तो एक सरफेस फाइव वन को ले लेंगे, क्या है फाइव वन इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस नाइन, और एक सरफेस क्या ले लेंगे फाइव टू ले लेंगे, फाइव टू क्या हो जाएगा जेड, ये जेड है। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड, ये टू और ये नाइन को क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि हम लोग का मतलब इसका कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि इसका डेरिवेटिव जीरो हो जाएगा, इसे टू लोगे फिर भी इसका डेरिवेटिव जीरो हो जाएगा। ठीक है, डेल फाइव वन, तो आपको ग्रेडियंट यदि निकालने नहीं आता है तो हमारा जो पिछले वाला वीडियो है उसको जाके देखिए, उसका लिंक मैं आई बटन में दे दूंगा। ठीक है, डेल्टा फाइव वन कितना हो जाएगा, आई क्या डो बाई डो एक्स प्लस जे क्या डो बाई डो वाई प्लस के क्या डो बाई डो जेड इंटू आई क्या है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस नाइन। तो इसका डेरिवेटिव निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, टू एक्स आई क्या टू वाई जे क्या प्लस टू जेड के क्या, तो डेल्टा फाइव वन, डेल्टा फाइव वन आठ पॉइंट क्या दिया है टू वन माइनस टू। तो अभी एक्स के जगह टू डाल दो तो क्या हो गया फोर आई क्या, वन डाल दो तो क्या हो गया टू जे क्या, तो माइनस टू डाल दोगे तो क्या हो जाएगा माइनस फोर के क्या। ठीक है, तो ये डेल्टा फाइव टू कितना हो जाएगा, आई क्या डो बाई डो एक्स प्लस जे क्या डो बाई डो डो बाई डो वाई प्लस के क्या डो बाई डो जेड। फाइव टू क्या है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड माइनस टू, इसका डेरिवेटिव कितना हो जाएगा टू एक्स आई क्या टू वाई जे क्या टू वाई जे क्या सॉरी जेड का डेरिवेटिव माइनस के क्या हो जाएगा। तो डेल फाइव टू आठ पॉइंट टू वन माइनस टू कितना हो जाएगा फोर आई क्या टू जे क्या माइनस के क्या, क्योंकि यहाँ जेड का टर्म नहीं है तो जेड का वैल्यू आप लोग सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकते हो। तो अभी आप लोगों को क्या निकालना है, कॉस थीटा, तो कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा डेल फाइव वन डॉट डेल फाइव टू बाई डेल फाइव वन मैग्नीट्यूड डेल फाइव टू मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो इसको कैलकुलेट करोगे तो फोर आई क्या प्लस टू जे क्या, डेल फाइव वन का वैल्यू ये है डेल फाइव टू का वैल्यू ये है, तो सब्सटीट्यूट करोगे तो कितना हो जाएगा फोर इंटू फोर कितना हो जाएगा सिक्सटीन प्लस फोर टू इंटू टू कितना हो जाएगा प्लस फोर क्या हो जाएगा प्लस फोर इंटू वन कितना फोर बाई इसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा रूट थर्टी सिक्स, इसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा सोलह तो ट्वेंटी वन रूट ट्वेंटी वन, तो कितना हो गया सोलह चार बीस चार ट्वेंटी फोर बाय रूट थर्टी सिक्स, सिक्स है सिक्स रूट ट्वेंटी वन कैंसिल हो गया तो क्या हो जाएगा फोर बाई रूट ट्वेंटी वन। तो थीटा कितना हो जाएगा कॉस इनवर्स फोर बाई रूट ट्वेंटी वन। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा ये क्वेश्चन।
प्रैक्टिस के लिए आप क्या कर सकते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे बना के खुद से कर सकते हो, नहीं तो कोई बुक फॉलो कर सकते हो। ठीक है, अभी और एक नेक्स्ट देखते हैं। तो और अभी देखते हैं डिरेक्शनल डेरिवेटिव। डिरेक्शनल डेरिवेटिव, तो डिरेक्शनल डेरिवेटिव क्या है? डी डी इसको बोलते हैं क्या? डी डी मीन्स डिरेक्शनल डेरिवेटिव। तो डिरेक्शनल डेरिवेटिव एक्चुअली क्या है? द रेट ऑफ चेंज ऑफ, रेट ऑफ चेंज ऑफ फंक्शन, फंक्शन इन आर्बिट्रेरी डिरेक्शन, इन आर्बिट्रेरी डिरेक्शन, द रेट ऑफ चेंज ऑफ फंक्शन इन आर्बिट्रेरी डिरेक्शन क्या है? डिरेक्शनल डेरिवेटिव है। ठीक है, अब इसके ऊपर भी एक क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है? फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ, आई इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई प्लस वाई जेड, वन माइनस वन इन द डिरेक्शन ऑफ आई क्या प्लस टू जे क्या प्लस थ्री के क्या। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं कैसे करना है। पहले हम डायरेक्शनल डेरिवेटिव और रेट ऑफ चेंज निकालने के लिए डेल फाई निकालना पड़ेगा। तो डेल्टा फाई कितना हो जाएगा? आई कैप डो बाई डो एक्स प्लस जे कैप डो बाई डो वाई प्लस के कैप डो बाई डो जेड। फाई का वैल्यू कितना है? एक्स स्क्वायर वाई प्लस वाई जेड। तो इसको क्या हो जाएगा डेरिवेटिव? टू एक्स वाई, टू एक्स वाई आई कैप प्लस एक्स स्क्वायर प्लस जेड जे कैप प्लस वाई के कैप। आपको सिंपली डेरिवेटिव निकालना है। तो डेल्टा फाई 8.11 माइनस वन कितना हो जाएगा? टू आई कैप प्लस क्या हो जाएगा? के कैप, वाई कैप प्लस के कैप। तो डायरेक्शनल डेरिवेटिव क्या पूछा है? इन द डायरेक्शन ऑफ आई कैप टू जे कैप प्लस थ्री के कैप निकलना है। तो ठीक है, तो ये वेक्टर टू आई कैप प्लस के कैप, टू आई कैप प्लस के कैप डॉट आई कैप प्लस टू जे कैप प्लस थ्री के कैप बाय वन प्लस फोर प्लस नाइन, तो कितना? तो डी डी इक्वल क्या हो जाएगा? टू आई कैप प्लस टू प्लस के कैप के कैप थ्री बाई क्या हो जाएगा? रूट फोर्टीन। तो फाइव बाई कितना हो जाएगा? रूट फोर्टीन। फाइव बाई कितना हो जाएगा? रूट फोर्टीन। दिस इज योर आंसर। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम ग्रेडियंट के बारे में डिस्कस करेंगे। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू क्लिक ऑन द बेल आइकन। थैंक यू। जय जगन्नाथ।